हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटियन में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नवजात शिशु को जो है हम पानी क्यों नहीं पिलाते हैं 6 महीने से पहले। हम सब ये तो जानते हैं कि नवजात शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि पानी क्यों नहीं पिलाना चाहिए। नवजात शिशु का जो पेट होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसकी वजह से वो जो है अपनी माँ के दूध से ही जो है अपना पान जो पेट पूरा भर लेता है। अगर उसे पानी पिलाएंगे तो उसके जो पेट में दूध पीने की माँ का दूध पीने की जगह नहीं बचेगी। तो इस वजह से एक तो कारण ये है कि बच्चे को पानी नहीं पिलाते। दूसरा, माँ के दूध में 90% पानी होता है, जिससे कि बच्चे की खुद ब खुद उससे प्यास बुझ जाती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट बेबी को नहीं होती है। अगर बच्चा बिल्कुल गर्मियों में भी होता है, चाहे वो मई जून जुलाई का महीना ही क्यों ना हो, उसमें भी हम बच्चे को 6 महीने से पहले पानी नहीं पिलाते, क्योंकि माँ के दूध में 90% पानी पाया जाता है। तो बच्चा जो पानी की रिक्वायरमेंट होता है वो माँ के दूध से पूरी कर लेता है। जब उसको प्यास लगती है, उसकी पास प्यास जो है उसी दूध से बुझ जाती है, तो इसलिए भी पानी नहीं पिलाया जाता। तीसरा है, पानी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बड़े की इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से बड़े तो उस पानी को जो संक्रमण होता है पानी में उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट जो बेबीज़ होते हैं उनको इसका खतरा हो जाता है। और कई बारी बच्चे को अगर पानी पिला दे 6 महीने से पहले, तो उसके दिमाग में कुछ वाटर से जुड़ी हुई डिजीज़ हो जाती है, जो बच्चे के लिए आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। तो इसी कुछ यही कारण है जिनकी वजह से बच्चे को पानी नहीं पिलाया जाता। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।